दो पड़ोसन बनी सौतन। रेशमा झाड़ू लगाते हुए कूड़ा घर से बाहर निकाल रही होती है। उसे देखते ही चांदनी उससे कहती है, अरे रेशमा बहन, मैंने कई बार ही देखा है तू रोजाना कूड़ा इकट्ठा करती और हमारे घर की तरफ छोड़ देती है। देख बहन, आज चुपचाप अपने हिस्से का कूड़ा उठा लेना, हमारे घर की तरफ मत करना। देखो तो सही, कौन मुझे ये बात बोल रहा है जो खुद मेरे घर के आंगन में कूड़ा इकट्ठा करके चली जाती है। अरे मेरे को सब पता है, तुम ऐसा करती हो तभी मैं ऐसा कर रही हूँ, वरना ऐसा मैं कभी नहीं करती थी। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुमने तो अपना इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा दिया। देखो साफ सीधी सी बात है, मेरे घर के आगे कूड़ा इकट्ठा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखते ही देखते दोनों के बीच बहुत तंगड़ी बहस होने लगती है, जिसके बाद तभी अचानक से रेशमा का पति आता है और रेशमा से कहता है, अरे भाग्यवान बस करो, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही हो? तुम्हें रोजाना लड़ाई झगड़ा करने से क्या मिलता है? चलो अब अंदर चलो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। सूरज किसी तरह अपनी पत्नी को शांत कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी चांदनी का पति कोलकाता में काम किया करता था, जिसके चलते वो उससे हमेशा दूर ही रहा करता था। चांदनी रेशमा के पति सूरज को देखकर अपने पति को याद करने लगती है। काश मेरा पति भी आज मेरे पास ही होता, वो भी मेरे लिए इसी प्रकार लड़ाई को बंद करवाता और चुपचाप प्यार से मुझे घर के अंदर ले जाता। लेकिन पता नहीं मेरा पति वापस कब लौटेगा। ऐसा सोचकर वो अपने घर में काम करने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो घर में टीवी देख रही होती है कि तभी अचानक से उसका टेलीफोन बजता है। ओहो, जब भी मैं कोई मूवी देखती हूँ तो कोई ना कोई मुझे कॉल करने ही लगता है, लेकिन आज मैं कॉल नहीं उठाऊंगी, मुझे अपनी मूवी पूरी देखनी है, नहीं तो बीच का सीन मिस हो जाएगा। ऐसा सोचकर चांदनी फोन उठाने नहीं जाती, लेकिन फोन बार बार बजता ही रहता है, जिसके चलते चांदनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो मजबूरन फोन उठाने के लिए चली जाती है। जैसे वो फोन उठाकर हेलो बोलती है, फोन के दूसरी तरफ से एक हॉस्पिटल के अंदर से नर्स कहती है, क्या आप रविंद्र जी की वाइफ बोल रही हैं? हाँ हाँ, मैं रविंद्र की वाइफ ही बोल रही हूँ, कहिए आपको मुझसे क्या कहना है। ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है, जिस कंपनी में आपके पति रविंद्र काम कर रहे थे उस कंपनी में एक हादसा हुआ और एक मशीन के अंदर उस हादसे के दौरान तुम्हारे पति की पूरी बॉडी चली गई, जिसके चलते उनका पूरा शरीर मशीन के अंदर चला गया था और उनकी मृत्यु हो गई। आधा शरीर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में पहुंच गया था, डॉक्टर ने कहा है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप डेड बॉडी हॉस्पिटल से ले जा सको। ये सुनते ही चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे राम, ये सब क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था और देखो तो जरा, भगवान ने मुझसे मेरा पति ही छीन लिया। एक तो मेरा पति हमेशा मुझसे दूर ही रहता था, अब मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताऊंगी। चांदनी के पति की मृत्यु के बारे में पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है, जिसके बाद सभी लोग चांदनी के साथ मिलकर उसके पति का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। वो बेचारी विधवा हो जाती है और उसके पास किसी का कोई सहारा नहीं होता। ऐसे में वो दिन रात अपने पति को याद करती रहती है और रोती रहती है। एक दिन वो अपने आंगन में बैठी हुई अपने पति वीरेंद्र को याद कर रही होती है। वीरेंद्र जी, आप कहाँ हो? मैं आपके बिना अधूरी हूँ, वापस आ जाओ, अगर आप वापस नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो रो रही होती है कि तभी उसी समय सूरज अपनी बाइक से अपनी ड्यूटी से वापस लौट आता है और बेचारी चांदनी को रोता हुआ देख वो अपने घर न जाकर उसके पास पहुंच जाता है। अरे अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? देखो जो हुआ उसे भूल जाओ, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। जरूरी नहीं कि हमेशा हमारा हम सफर हमारे साथ हो, आगे तक चले। कभी कभी किस्मत कुछ और ही रंग लेकर आती है, क्या पता तुम्हारी किस्मत में कुछ और लिखा हो। मेरी पूरी किस्मत बर्बाद हो गई, मेरी किस्मत में अब कुछ नहीं बचा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो ही सही होगा, कम से कम विधवाओं की तरह जीना तो नहीं पड़ेगा। चांदनी की आवाज सुनते ही सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम कमजोर नहीं हो, अपने आप को संभालो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ है, एक नया हम सफर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे ढूंढो और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो। सूरज की यह सहानुभूति चांदनी को बहुत तसल्ली दे जाती है, जिसके चलते वो अपने मरने का फैसला छोड़ देती है और शांत हो जाती है। सूरज उसे शांत करने के बाद अपने घर चला जाता है। उस दिन के बाद से चांदनी को सूरज धीरे धीरे पसंद आने लगता है।
जिंदगी ने मुझे शायद दूसरा मौका दिया है तो मैं इस मौके को क्यों गवाऊं। वैसे भी मेरा पति कौन सा हमेशा मेरे साथ रहा करता था। और सूरज जी तो कितने समझदार और प्यारे हैं, वो अपनी पत्नी रेशमा की तरह मुझे भी बहुत प्यार करेंगे। उस दिन के बाद से चांदनी छुप छुप कर सूरज को देखने लगती है और सुबह शाम जब भी ड्यूटी जाता और ड्यूटी से आता तो वो अपने घर के बाहर निकल कर खड़ी हो जाती और किसी न किसी बहाने उससे बात करने लगती। सूरज भी उसे अकेला और परेशान समझकर उससे बात कर लिया करता था। एक दिन जब शाम को वो ड्यूटी से वापस लौटता है तो वो चांदनी को परेशान देख उसी से पूछता है, अरे चांदनी तुम इतनी परेशान क्यों हो, सब कुछ ठीक तो है? कुछ दिन पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी लेकिन अब अचानक से परेशान लग रही हो, अगर कोई परेशानी वाली बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनते ही चांदनी रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अपने आप को संभालने की जितनी कोशिश करती हूँ लोग मुझे उतना ही गिरा देते हैं। आज भी जब मैं सब्जी मंडी गई थी तो वहाँ कुछ औरतें मुझे देखकर बातें बनाने लगी और विधवा कहकर मुझे चिढ़ाने लगी। अरे लोगों का तो काम ही है बातें बनाना और लोगों को परेशान करना, तुम अपने ऊपर ध्यान दो ना कि लोगों की बातों पर, क्योंकि लोगों की बातें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं। सूरज फिर से चांदनी को सलाह देता है लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने अच्छे काम करने के चक्कर में एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहा था। जहां चांदनी सूरज से प्यार करने लगी थी वहीं वो रेशमा से बहुत ज्यादा नफरत भी करने लगी थी। एक दिन वो अपने घर की खिड़की से सूरज और रेशमा को उनके घर में एक साथ देखती है। मेरे होते हुए सूरज जी किसी और के करीब नहीं जा सकते, मैं उनकी पत्नी बनने के लायक हूँ, ये रेशमा तो उनके लायक भी नहीं है, मुझे इसे अपने रास्ते से किसी तरह हटाना होगा। एक पड़ोसन होकर अपनी ही पड़ोसन के पति के ऊपर रेशमा का ये प्यार बहुत ही अलग होता है, जिसके चक्कर में वो अपनी पड़ोसन को ही रास्ते से साफ करने के बारे में सोच रही होती है। एक रात चांदनी रेशमा और सूरज के कमरे में छुपकर घुस आती है और चाकू लेकर वो रेशमा को मारने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से सूरज की नींद खुल जाती है और वो चांदनी को ऐसा करने से रोक लेता है। ये तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो रही हो, तुम मेरी पत्नी को मारना चाहती हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब तक ये मरेगी नहीं तब तक हमारे रास्ते में आती रहेगी, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए इसे मरना ही होगा। क्या कहा तुमने, सूरज जी तुमसे प्यार करते हैं? सूरज जी ये सब क्या तमाशा है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आप मेरे होते हुए किसी और को प्यार कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं ये सब गलत है चांदनी, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी हमदर्दी दिखा रहा था क्योंकि तुम परेशान थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे तुमने मेरी सौतन बनने की सोचा भी कैसे, सूरज जी और हम पहले ही एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हम एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते, तुम हमारे बीच नहीं आ सकती। ये सब देखकर चांदनी को गुस्सा आता है और वो अपनी हरकत से बाज नहीं आती, वो किसी भी तरह रेशमा को मारने की कोशिश करती है लेकिन सूरज रेशमा को बचा लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है, जिसके बाद कुछ देर में पुलिस आ जाती है, चांदनी को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद सूरज को समझ आ जाता है कि हर किसी को हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए। पवन अपने माता पिता कौशल्या और मुकेश और पत्नी गोपी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश था। गोपी ने घर की सारी गृहस्थी संभाल ली थी। एक दिन दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे थे तभी गोपी उसकी नाक पर आइसक्रीम लगाकर हंसने लगती है। पवन आइसक्रीम कैसी लग रही है? अरे तुम भी ना शैतान हो गई हो, ये लो। अब मजा आया, तुम्हारी नाक पर भी मैंने आइसक्रीम लगा दी। चलो अब बताओ क्या खाओगी? मेरी फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट पर ले चलो। ठीक है मैं पैसे देकर आता हूँ, तुम कार में वेट करो। तभी गोपी कार में बैठ जाती है और पवन आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाता है कि शेफाली नाम की लड़की टकराकर उसकी बाहों में गिर जाती है, जहां दोनों की आंखें चार होती हैं। I'm really sorry. It's okay, हो जाता है, माफ करना, पर कहे बिना रुका नहीं जा रहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच, और आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपने मुझे इतनी देर से ऐसे पकड़ रखा है, मैं भारी तो नहीं हूँ ना? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। तभी दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ देर बाद पवन गोपी के साथ घर लौटता है तो मुकेश कहता है, अरे लो आ गए हमारे बहू बेटे, तो कैसा रहा तुम दोनों का आज का छुट्टी का दिन? अच्छा रहा पापा जी, पवन मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे फेवरेट रेस्टोरेंट पे भी ले गए। भगवान करे तुम दोनों का प्यार साथ यूं ही बना रहे, हमारे लिए कुछ नहीं लाए बाहर, इतना घूमे हो तो।
अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने मम्मी पापा को भूल जाऊं? ये देखिए, आपके लिए भुट्टा और पापा के लिए गन्ने का जूस। इन सब के बाद जब पवन अपने कमरे में सोता है तो वो कई बार करवट बदलता है और आंख बंद करते ही उसी लड़की की छवि अपने मन में पाता है और कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? एक ही नजर में वो लड़की मेरे सिर क्यों चढ़ गई? क्यों उसका बार बार ख्याल आ रहा है? मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मेरी शादी हो चुकी है। ये कहकर पवन सो जाता है। दो दिन यूं ही हंसते खेलते गुजर जाते हैं। अगले दिन जब पवन अपने ऑफिस जाता है तो फिर से उसकी टक्कर शेफाली से हो जाती है और पवन उसे थाम लेता है और दोनों एक साथ कहते हैं, अरे आप यहाँ? अरे आप तो वही आइसक्रीम पार्लर में मिली थी और आज भी? हाँ आप भी वही हो ना? एक मिनट, हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे क्या? आई एम सॉरी। दरअसल वो क्या है ना, आज ही मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है, पर आप यहाँ क्यों आए हो? ओहो, अरे मैं इस ऑफिस का मैनेजर हूँ। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट डे। ओह थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मुझे सर बुला रहे हैं। तभी दोनों अपने केबिन में जाकर अपना अपना काम करते हैं। लंच के दौरान कैंटीन में खाना खाते समय दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। दोनों हंसकर खूब बात करते हैं। बटर स्कॉच शेक तो मेरा बहुत फेवरेट है। आई मीन जब मन करता है तो हमेशा दो बार शेक पीता हूँ। और पता है जब मैं नूडल्स खाती हूँ ना तो उसमें दोनों सॉस मिलाकर खाती हूँ। मेरी मॉम को नहीं पसंद कि मैं उसमें दोनों सॉस डालूं, जिसे वो सॉगी हो जाता है। तुम तो कमाल हो शेफाली। और आप भी सर। ओए कुड़ी मुझे सर मत कहो, प्यार से पवन कह सकती हो। ओके पवन। इस तरह दोनों की बातें मुलाकातें अक्सर ऑफिस में हो जाया करती थी। ऑफिस से निकलकर कभी कभी पवन शेफाली को घर छोड़ दिया करता था। एक बार शेफाली उसके पिता के बर्थडे में घर पर मेहमान के रूप में आती है, जहां वो अकेले में पवन के करीब आती है और उसके गले लगती है। अरे क्या कर रही हो, कोई देख लेगा, यहाँ जरूरी है ये सब करना, बाहर ही ठीक है। पवन अब मुझे तुम्हारी आदत लग गई है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। आई लव यू सो मच, शादी कब कर रही हो मुझसे? अरे तुम ये सब बातें यहाँ मत करो, मेरी बीवी सुन लेगी। देखो मैं तुम्हारी बीवी को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, अब मुझे इस घर में लाकर उसे इस घर से बाहर निकाल दो। वैसे भी उससे ज्यादा खूबसूरत हॉट तो मैं हूँ ही, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है जल्दी सोचता हूँ कुछ इस बारे में, वैसे भी मुझे वो गवार गोपी पसंद नहीं है, तुम ही पसंद हो। तभी वहाँ गोपी उन दोनों को साथ देख लेती है। अरे आप यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ऑफिस का कुछ काम था तो वही बात कर रहे थे। ठीक है आप दोनों खाना खाने आ जाइए। उसके जाने के बाद शेफाली उसे किस करके चली जाती है। ये होता हुआ कौशल्या देखकर चुप हो जाती है। ये पवन को क्या हो गया है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, चुप ही रहना ठीक है मेरा। तभी डिनर करके शेफाली चली जाती है। पार्टी के दौरान गोपी ने अक्सर नोटिस किया कि पवन और शेफाली एक साथ थे। कुछ दिनों बाद पवन उससे शादी करके अपने घर ले आता है। दरवाजे पर गोपी अपनी सौतन को देखकर हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, पवन जी ये सब क्या है, आपने शेफाली से शादी कर ली? इसका मतलब मेरा शक सही था, ये मेरी सौतन है, चक्कर चल रहा है आपका इसके साथ। हाँ तुमने सही समझा, मैं शेफाली से बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे मैं ऊब चुका हूँ और अब से शेफाली यहीं रहेगी। मम्मी पापा सॉरी, पर आपको मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, मैं अकेली रहती हूँ अपनी बहन के साथ, तो उसे घर पर नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो भी मेरे साथ इसी घर में रहेगी। क्या पहले तो तुमने मुझसे ये सब नहीं कहा? अब कह रही हूँ ना, आती ही होगी वो। तभी शेफाली से भी ज्यादा हॉट बनकर लवली आती है और कहती है, ओए होए जीजू, दीदी ने मुझे बताया आपके बारे में, लेकिन अब से मैं आप सबके साथ यहीं रहूंगी। ठीक है गोपी, चलो अपनी सौतन की आरती उतारो। कभी नहीं। रोते हुए गोपी अपने कमरे में चली जाती है, पर कमरे में आकर पवन और शेफाली उसे निकाल देते हैं और मजबूरन गोपी को लवली के साथ कमरा शेयर करना पड़ता है। सेब खाते हुए लवली कहती है, ओहो कितना रोती हो, बंद करो गंगा जमुना बहाना, मेरी चीजों की एक्स वाइफ होना तुम, बहुत बुरा किया मेरी बहन ने तुम्हारे साथ।
किस मिट्टी की बनी हो तुम और तुम्हारी बहन। उसने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी को बिगाड़ दिया। इतना प्यार था हम दोनों के बीच और तुम्हारी बहन ने मुझसे वो छीन लिया सौतन बनकर। और तुम क्या दहेज में आई हो क्या? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो कि तुम्हारी सौतन दहेज में मुझे लाई है। चलो अब सो जाओ। तुम्हारी बहन ने मेरी नींदें उड़ा दी और तुम कह रही हो सो जाओ। छी। एक हफ्ता बीत जाता है। गोपी की आंखों के आंसू सूख नहीं रहे थे। ऐसे में उसके सास ससुर उसे संभाल रहे थे। वहीं लवली पवन के करीब जाने के बार बार बहाने ढूंढती थी। कभी अनजान बनकर उसके बाथरूम में चली जाती थी तो कभी उससे टकराकर उसकी बाहों में आती थी। ये सब शेफाली भी नोटिस कर रही थी। और ऐसे ही शाम के समय जब कमरे में अपने सूटकेस को अलमारी के ऊपर से उतार रही थी तो वो कहती है, पवन चीजू जरा मुझे उठाना, यहाँ कोई स्टूल नहीं है, मुझे अपना बैग उतारना है। अरे मैं उतार देता हूँ। चलो ये छोड़ो, वो बेड पर से मेरे कपड़े उठाकर दे दो। लवली की बात सुनकर पवन उसे कपड़े उठाकर देता है कि लवली जानबूझकर उसके ऊपर बेड पर गिर जाती है। और ये नजारा शेफाली देखकर एक तेज कचाटा अपनी बहन को मारती है। लवली तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति पर डोरे डालने की? मैं तुम्हें अकेला न छोड़कर यहाँ ले आई थी, तुमने तो गलत फायदा ही उठा लिया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी पवन पर नजर डालने की? जब देखो उसके ऊपर गिरती पड़ती रहती हो। दीदी आपको कोई हक नहीं है ऐसा कहने का। तभी वहाँ सब मौजूद हो जाते हैं और गोपी ताली बजाकर कहती है, ओहो शेफाली तुम्हें बुरा भी लगता है इस बात का? तुम्हारी बहन ने कुछ नया नहीं किया, तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रही है वो। जैसे तुमने मेरे पति पर डोरे डाले हैं, वैसे ही तुम्हारे पति पर डोरे डाल रही है वो। तुम्हारी तो दहेज में आई बहन ही सौतन निकली। अब पता चला मेरे ऊपर क्या बीत रही थी जब तुम मेरे पति के साथ। तुम तो खुश हो पवन, एक के बाद एक औरती मिल रही है तुम्हें। दीदी ये सब मैंने जानबूझकर नाटक किया, मेरा पवन को लेकर कोई अट्रैक्शन नहीं है। बेचारी गोपी के साथ आपने बहुत बुरा किया है। आपकी आंखों पर पट्टी हटाने के लिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। आपको इनकी जिंदगी से जाना होगा, उसका एक परिवार है। और आप मिस्टर पवन, क्या आप अपनी जिंदगी में और लड़कियां लाएंगे या अपनी वाइफ गोपी पर ध्यान देंगे? शुक्रिया लवली तुम्हारा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो तुम सब। मेरी बहन तूने मेरी आंखें खोल दी। पवन माफ कर दो, शादीशुदा जिंदगी में जहर मैंने खोला है। मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दूंगी। मम्मी जी पापा जी मुझे माफ करना। जितना जल्दी हो सके तुम दोनों बहनें यहाँ से चली जाओ। तभी दोनों बहनें शर्म से आंखें झुकाकर अपना सामान लिए वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद पवन गोपी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।